अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश की जा रही थी, उसको स्पीकर कौमी असम्बली ने उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि मुस्तरद कर दिया। हम स्पीकर की वो छोटी सी एक वीडियो क्लिप आपकी खिदमत पेश करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया था इमरान खान ने, तो वो सरप्राइज कौम को मिल गया और जो तरीके अदम एतमाद की जो एक करारदाद पेश की जा रही थी असम्बली में, उसको स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। वीडियो मुलाजा पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीद करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के अख्तिताम पर बाजरिया हाजिर बर्खास्त करता हूँ। हजरत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। तो जिस तरह नाजरीन आपने देखा, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। बहुत दिनों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहने जा रहे थे कि गैर मुल्की ताकतें हैं जो ये करारदाद मेरे खिलाफ पेश करने जा रही हैं और वो ताकतें नहीं चाहती कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहूं, लेकिन कानून में जिस तरह की सिक्कों का जिक्र कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने किया, तो इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इस तरह की अगर कोई करारदाद भी दोबारा पेश की जाती है तो उसके लिए दोबारा उसी कानूनी मराहिल से गुजरना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान एम रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।